सुबह ही बांके बिहारी जी के मंदिर पे दर्शन के बाद एक चीज पता चली कि उसको काफी संभाल के ले जाना पड़ता है बिकॉज दक्षिण भारत की यात्रा के बाद हम लोग निकले हैं अभी वृंदावन धाम के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कन्नौज। तो कन्नौज जाते समय जब हम यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो वृंदावन का कट जो है वो मिलता है बीच में। सो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए निकलेंगे। बाकी साउथ इंडिया में हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला जो कि आपको प्रीत दुबे ब्लॉग्स पे देखने को मिलेगा। हमारे जो ब्लॉग हैं वो जरूर देखें। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन जहां पे हम गए हैं माता पिता जी के साथ, और कुछ मित्रों के साथ भी हमने यात्राएं की हैं जिसमें आप अगर श्रीनगर की यात्रा देखेंगे, नेपाल की यात्रा देखेंगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। सो गाइज अभी हम चलते हैं सीधा वृंदावन धाम। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है मथुरा का वो 125 है। 8 बज रहे हैं जबकि हम 6 बजे निकले थे, तो मुझे लगता है 1.5 घंटा यार दिल्ली पार करने में लग गया और काफी ज्यादा समय हो गया। अभी चलते हैं बांके बिहारी जी के टेम्पल पर। अभी गाड़ी को पार्क करने के बाद सीधा मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं। भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ तो नहीं दिख रही है, अंदर का देखते हैं क्या कुछ है। तो अब दिख रही है भीड़, अंदर वाली जो गली है वो पूरी भरी हुई है। यहाँ से एंट्री है, भीड़ अब दिख रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप देखेंगे भीड़ काफी ज्यादा है। नो डाउट यहाँ पे आपको थोड़ा सा भीड़ से गुजरना पड़ेगा। सो भाई बांके बिहारी जी के मंदिर पे दर्शन के बाद एक चीज पता चली कि चश्मा, फोन और जो भी प्रसाद है उसको काफी संभाल के ले जाना पड़ता है बिकॉज बहुत सारे बंदर हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बिहारी जी के मंदिर पे आए तो भाई अपने फोन का और अपने चश्मे का, प्रसाद का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपका फोन, चश्मा, प्रसाद सब छीन लिया जाएगा बंदरों के द्वारा। सो बेसिकली अगर हम आते हैं मॉर्निंग के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती, इजीली दर्शन हो जाते हैं, बट हाँ थोड़ा सा हमें घूमना पड़ता है, उसके लिए एक पूरा एक परिक्रमा भी हो जाती है क्योंकि जहाँ से एंट्रेंस है आई थिंक वहाँ पे इन्होंने सेम एग्जिट नहीं दिया है, हमें घूम के परिक्रमा करके बाहर निकलना होता है। सो दो तीन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, चश्मा, फोन, पर्स, ये सारी चीज़ें सेफली लेके आए।